गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम दोहराई कार्य करेंगे बेटा अपना पार्ट नंबर 9 अपनी भाषा अभ्यास की किताब में से, जिसका नाम है बादल। तो आप देखिए पेज नंबर 36 यानी 36। सबसे पहले है पाठ बादल के आधार पर दिए गए वाक्यों में सही जोड़ा चुनकर लिखिए। जो इसका उत्तर आएगा जोड़े में, यानी इकट्ठे दो वर्ड आएंगे जिसको जोड़ा बोला जाता है, तो आपने यहाँ पे फिल करना है, इनको चुनकर इसमें से लिखना है। आपने हेल्प बॉक्स नहीं लेना, ऐसे ही लर्न करना है। तो सबसे पहले है डैश ढोल बजाए बादल। डैश ढोल बजाए बादल, तो क्या बजाते हैं? धम धम। क्या बजाते हैं? धम धम। अगर किसी ने अपने बुक पे ये कंप्लीट नहीं किया हो तो साथ साथ में कंप्लीट कर लीजिए। डैश बिजली चमके। कैसे चमकती है बिजली? चमचम। कैसे बिजली चमकती है? चमचम। डैश बूंदे बरसे। बरसे कैसे बूंदे बरसती हैं? छम छम। कैसे बूंदे बरसती हैं? छम छम। डैश करती चली हवाएं। कैसे चलती हवाएं? सन सन। इसमें लाइन आई है थोड़ी सी कि न के नीचे, सन सन करती चली हवाएं। उसके बाद है दिए गए शब्दों के सामने समान लय वाले शब्द। समान यानी पहले वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो पहले है बोले, बोले खोले, कोई भी लिख सकते हैं आप। दूसरा उमड़े घुमड़े। नेक्स्ट है बेटा बजाएं सजाएं। इसके ऊपर चंद्रबिंदु है, इसका ध्यान रखना आपने। यहाँ पर चंद्रबिंदु है, वहाँ चंद्रबिंदु लगानी है। सुनाए, तो इसमें एक ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, तो आगे बुलाए। उसके बाद चमके दमके, और अगला है काले नाले। पीले नहीं लिखना, सामने नहीं होगा वो, काले नाले। उसके बाद है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ऊपर हेल्प बॉक्स दिया है, आपको यहाँ से नीचे से इसको फिल करना है। पौधों में पानी दो वरना सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जाएंगे। ऊपर चंद्रबिंदु, जाएंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी। मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज शाम को हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। उसके बाद है लास्ट में अध्यापिका कक्षा में है। ओके बेटा, तो ये आपके यहाँ पर फिलअप थे। अगला पेज है पेज नंबर 37, जिसमें कुछ चित्र बने हैं, देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप पिक्चर देखेंगे, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने लिखना है बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा आदमी छाता लेकर, या आदमी बारिश में छाता लेकर जा रहा है। माता जी खाना बना रही हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। लड़का किताब पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, और उसके बाद नीचे ये है जो पहले अक्षरों को आपने उदाहरण के अनुसार, यानी जो रेड कलर के ये दिए हुए हैं, आपको इन दोनों को जोड़ना है। ता ला बा जा सा त छ त छत मोर मोर नाच नाच। और ये नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, इसको बोलते हैं चित्र वर्णन। इसमें कुछ आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसको आपने लेना है और इसको जोड़ जोड़ कर आपने ये लाइनें लिखी हैं। जैसे बारिश है, काली घटा छा गई, क्योंकि काले बादल है ना, तो काली घटा छा गई, तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, या लड़का बिजली के चमकने से डर गया, मोर नाचने लगा। तो आज आपने ये पाठ रिवाइज करना है बेटा, आपका ये पाठ यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद हम अगला करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।